वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। आप देख रहे हैं HTML का लेक्चर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एस टेबल, यानी टेबल कैसे बनाते हैं। ये आज आप देखेंगे HTML में प्रैक्टिकल वीडियो के साथ। तो मैं बनाता हूँ एक पेज HTML का, जिसे मैं .html से सेव करूँगा। आप भी HTML से ही सेव करेंगे, क्योंकि आपको भी HTML की ही फाइल बनानी है। मैंने एक HTML की फाइल बना ली है, जिसका नाम है डेमो। तो मैंने डेमो यहाँ पे बना लिया है। आप देख रहे हैं डेमो की फाइल यहाँ अवेलेबल है। इसे आप ओपन कर लें राइट क्लिक करके किसी ब्राउज़र पे। तो मैंने एक ब्राउज़र पे ओपन कर लिया, जिसका नाम है मोज़िला फायरफॉक्स। यहाँ पे ओपन है आपका डॉक्यूमेंट। अब मैं यहाँ स्टार्ट करता हूँ कोडिंग। HTML ओपन हुआ, क्लोज़ हुआ, अगेन क्लोज़ नहीं हुआ है सही से। आप डॉट लग गया है, यहाँ पे क्लोज़ करेंगे। बॉडी के साथ बॉडी को भी क्लोज़ करेंगे। बॉडी अब हम क्या करेंगे, तो हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हम टेबल ही लिखेंगे, TABLE टेबल। टेबल हमारा, ये टेबल टैग हमारा खुल गया है और टेबल टैग बंद हो गया है। फिलहाल इतना करने से देखते हैं क्या होता है। आपको स्क्रीन पे यहाँ पे मैं चेक कराता हूँ, तो यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। टेबल अब कहाँ है, आपको विजिबल नहीं हो रहा है। तो विजिबल कराने के लिए मैं थोड़ा सा एक कोड बढ़ाऊँगा, इन टेबल का एट्रीब्यूट लिखूँगा border बॉर्डर इक्वल्स टू 5। कंट्रोल एस आप करेंगे और रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे ये टेबल मैंने बनाया है। क्योंकि टेबल में रो और कॉलम होता है, तो वो विजिबल नहीं हो रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल में रो लगाएंगे, यानी कि हम tr लगाएंगे, tr एंड tr क्लोज, टेबल रो क्लोज। अब जाके आपके टेबल में एक रो बन गया है। अगेन आप रिफ्रेश करें और ये आप पाएंगे कि एक रो यहाँ पे बना हुआ है। अगेन आप दूसरा रो बनाना चाहते हैं, तो मैं इसे दूसरा रो बनाता हूँ, tr टेबल रो। ये भी टेबल रो हमारा खुल गया है, तो ये बॉर्डर की वजह से इतना आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा टेबल बन गया, जिसमें दो रो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो रो मतलब कि वो लाइंस जो कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, वो रो लाइन है। यानी कि ये जो है वो टेबल में ये रो का काम करेगा। तो हमने दो रो बनाए हैं, यानी एक और रो बन गया मेरा टेबल में। ये दो रो आपके सामने ये टेबल में बन गया है। तो सबसे पहले आपने टेबल टैग लिया, इसके अंदर tr दो बार tr किया है। अब आप चाहते हैं कि इसके बीच में कॉलम बनाना, तो आप इस्तेमाल करेंगे टेबल डेटा का। टेबल डेटा जो है वो बीच में ऐसे ये कॉलम बना देगा। तो कॉलम बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा टेबल डेटा का। यहाँ पे आप आएंगे और लिखेंगे td टेबल डेटा। टेबल डेटा में आप क्या लिखना चाहते हैं, तो मैं लिखना चाहता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है। एक और टेबल डेटा को हम बंद करेंगे, खोलेंगे उसको, टेबल डेटा ये खुला है। अगेन आप एक और कॉलम लगाना चाहते हैं, ये सिर्फ एक कॉलम के लिए आपने एक बार टेबल डेटा का इस्तेमाल किया है। रिफ्रेश करेंगे तो आपको एक कॉलम आपको मिलेगा। फिर यहाँ पे आने के बाद से मैंने एक और कॉलम बनाना है, तो मैंने लिखूँगा टेबल डेटा को, अगेन लिखूँगा और ये टेबल डेटा बन जाएगा। slash td टेबल डेटा, टेबल डेटा, ये मेरा टेबल डेटा बन के आ गया है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि एक और कॉलम मेरा बन चुका है, बट उसमें डेटा नहीं लिखने की वजह से कुछ शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सीरियल नंबर के बाद से नेम, तो यहाँ पे आपको नेम जो है वो बन के मिल जाएगा। तो दो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है। बॉर्डर क्या करता है, बॉर्डर में बॉर्डर साइज हमने 5 दिया है, आप साइज कुछ कम करके देखें तो यहाँ पे आपको बॉर्डर दिखाई देगा, कुछ छोटा सा बॉर्डर मिल रहा है। अगेन आप और भी टेबल रो इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो आप फिर मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, आप जैसा भी इंसर्ट करना चाहें इंसर्ट करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 रो इंसर्ट करा है। पहला रो है tr, दूसरा और tr तीसरा, और तीनों में दो दो कॉलम है। और यहाँ पे देखेंगे जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा सेव करके, तो आपको तीनों में सीरियल नंबर ही मिल रहा है। दैट्स वही हम डेटा भर देंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा, और नेम क्या है, तो नेम हम भर देते हैं यहाँ पे
डी यू आर जी ई एस एच दुर्गेश, मैं यहाँ पे दुर्गेश लिखता हूँ, और यहाँ पे जो होगा वो होगा एस एच आई वी डबल ए वाई शिवाय। क्लियर है? तो ये दो रो मेरे सामने हैं जिनमें डेटा भरा हुआ है। तो ये जो है आपको दिख रहा है वो दुर्गेश और शिवाय नाम से आपका डेटा फीड होके आ चुका है। फिलहाल आपको ये तीनों चीज़ें इक्वल लग रही होंगी, सबका डेटा एक ही जैसा लग रहा है। तो आप अगर चाहते हैं कि पहले वाले ने सीरियल नंबर और नेम को हेडिंग बनाना, तो आप टेबल डेटा की जगह यहाँ पे टेबल हेड लिखेंगे, जिससे कि वो हेडिंग बन जाएगा। तो टेबल हेड के लिए अब TH टैग का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वो टेबल हेडिंग को अरेंज कर देता है, टेबल हेडिंग फॉर्मेट में कर देता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये जो है वो टेबल हेडिंग के फॉर्मेट में बन के आ चुका है, और आपके सामने ये कुछ हाईलाइटेड मोड में दिखाई दे रहा है, और ये डिफरेंट है क्योंकि इनका जो टेबल हेडिंग का डेटा है वो सेंटर में है और बोल्ड है, बट आपका टेबल TD का जो डेटा है ना सेंटर है और ना बोल्ड है, वो प्लेन टेक्स्ट है, कहीं उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। ऐसे ही आप और भी इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, तो मैं एक और ले लेता हूँ टेबल हेड को, TH मैंने ले लिया है, और TH में यहाँ पे लिखता हूँ नेम हो गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ADDRESS एड्रेस। एड्रेस में मुझे लिखना है, ये मेरा एड्रेस हो गया, और टेबल हेड को मैं फिर से क्लोज कर दूंगा। टेबल हेड जो है वो क्लोज हो जाएगा, तो एक और टैब आपको मिलेगा जो कि टेबल का एड्रेस होगा। फिलहाल इसमें कोई डेटा हमने लिखा नहीं है, तो ये एड्रेस शो नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पे TD में जाके डेटा लिख देंगे। तो यहाँ पे आप TD में जाएंगे और TD बनाएंगे, TD टेबल डेटा। टेबल डेटा में जाने के बाद एड्रेस क्या है, तो इम्पल्स, और TD को आप क्लोज कर देंगे। TD आपका क्लोज हो जाएगा। इसे भी मैक्सिमाइज मैं कर लेता हूँ ताकि स्क्रीन पर क्लियर हो अच्छे से। तो ये TD जो है मेरा क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे टेबल हेड क्लोज हुआ है, यहाँ पे TD क्लोज हुआ है। अगेन एक और TD हम यहाँ पे बना के ऐड कर लेंगे। तो आते हैं यहाँ पे TD, और यहाँ पे TH नहीं होगा, TD होगा, TD टेबल डेटा, टेबल डेटा। ओके, एक और TD हमने यहाँ पे ओपन किया है, और TD को हम बंद कर देंगे। तो ये मेरा TD ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप आएंगे तो वैल्यू आप देते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ IP टैग, TECH इम्पल्स टैग। तो यहाँ पे मैंने बना दिया शिवाय का एड्रेस। अब आप देखेंगे तो ये दो एड्रेस आपको इम्पल्स और टैग मिलेंगे। तो ये हमारा टेबल बना हुआ आ रहा है, जिसमें तीन रो और तीन कॉलम आपके सामने हैं, जिनमें पहले कॉलम में टेबल हेडिंग है, बाकी जो है हमारा दो टेबल रो है। अगर टेबल के सेल की वैल्यू अगर आप सेंटर में लाना चाहते हैं, तो आप सेंटर टैग का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे CENTER, ये सेंटर में आपके वन को लाके पुटअप कर देगा, यानी CENTER ये सेंटर में लाके आपके वैल्यू को कर देगा, यानी वन आपको अब मिलेगा कि ये सेंटर में अवेलेबल है। ऐसे ही आप टू को भी सेंटर में करना चाहते हैं, तो उसे सेंटर में रखें, सेंटर, तो ये टू भी आपका सेंटर में आ जाएगा, सेंटर, ये सेंटर हमारा टू भी आ गया। तो ये जो है आपको सेंटर में लाने के लिए होता है। अगला, आप चाहते हैं टेबल के डेटा को आप कलर करना चाहते हैं, यानी उसके बैकग्राउंड को आप चेंज करना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे BGCOLOR इक्वल्स टू रेड। मैंने रेड कर दिया है BG कलर को टेबल के। अब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको टेबल का जो वन का BG कलर है वो रेड मिलेगा। ऐसे दूसरे वाले टेबल रो के BG कलर को चेंज करते हैं, BGCOLOR कलर इक्वल्स टू YELLOW येलो। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि ये जो डेटा है वो येलो कलर के बैकग्राउंड के ऊपर लिखा हुआ है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था टेबल का, कि हम टेबल कैसे बनाएंगे। आगे हमारे साथ ऐसे ही बने रहें टेबल में, और भी कॉल स्पेन, रो स्पेन वगैरह इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम आपको ऐसे ही बताते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।